अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो वेलकम टू यू ऑल। थैंक यू, आपने आप सबने जूम मीटिंग ज्वाइन की। तो अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल है तो प्लीज आप वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। मिस्टर मोहम्मद अली, मिस्टर गजनफर अब्बास, मिस्टर बदरुद्दीन, मिस्टर मोहम्मद ताहिर एंड मिस्टर मोहम्मद जमीन, तो आप में से किसी को भी सवाल है तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज में कुछ प्रॉब्लम आया हुआ है, इको आ रहा है आपकी आवाज में, क्या मतलब वो है? अभी सही है जी जी। चले, हमारे पास एक मेहमान नहीं है, दूसरा मेहमान आ गया हमारे पास। बिग बोल जी, गलत बोला। कैसा है, क्या हाल है यार? हमजा ठीक है जी, अल्लाह का करना यार। राज आप में से किसी को क्वेश्चन है तो प्लीज वन बाय वन आप पूछ सकते हैं। मिस्टर राणा, मिस्टर मोहम्मद ताहिर, मिस्टर मोहम्मद जमीन, मिस्टर बदरुद्दीन। जी अस्सलाम वालेकुम बदरुद्दीन। वालेकुम अस्सलाम सर, बात कर रहा हूँ। मैंने बस ये पूछना था, रमजान भाई का रिजल्ट अच्छा है किसके? अगर ये डिविडेंड उसने 1.5 रुपए दिया, क्या मार्केट में फेंक सकते हैं? जी आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आ रही है? आपका आवाज ना कट हो रहा है। आप किस कंपनी के बारे में पूछ रहे हैं? मैं मीजान बैंक के बारे में। मीजान बैंक के बारे में? हाँ, मीजान बैंक के बारे में। मैं बस क्वेश्चन ये था कि आज इसका रिजल्ट आया है, नंबर तो अच्छे दिए इसने एनुअल प्रॉफिट के, डिविडेंड 1.5 रुपए ही दिया जो ऐसा देता है, तो शेयर प्राइस नीचे जा रही थी, तो बस की बात समझ में नहीं आई कि क्यों नीचे क्यों जा रही है शेयर प्राइस। क्या डिविडेंड ज्यादा एक्सपेक्टेड था इससे? मिजान में 1.5 रुपए नहीं, ज्यादा दिया डिविडेंड। 1.5 रुपए दिया है, 1.5 रुपए जितना देता है उतना ही दिया, 1.5 या 2 रुपए ही देता है। मगर मसला ये ना, जो भी डिविडेंड दिया मार्केट का सपोर्ट नहीं है। देखो इस वक्त ना लोग डरे हुए हैं, यही मसला है कि लोग डरे हुए हैं, और रिजल्ट होता है या कुछ भी होता है लोग सेल करते हैं, या अगर ये सेल नहीं करते तो कंपनी सेल कर देती है अच्छे रिजल्ट पे भी, क्योंकि लोग नए लोग आते हैं उनको शेयर दे देती है संभालने के लिए, ये समझ लो। जो नए खड़े होते हैं नए लोग भी नहीं होते ना। बस मेरा यही सवाल था, क्योंकि वही आपको मैंने कहा ना कि जब बायर आते हैं ना तो कंपनी भी सेल करती है, हालात के हिसाब से वो कंपनी कहती है चलो यहाँ सेल कर दो, यहाँ 1-2 रुपए कम में मिल जाएगा वापस हमको, तो और कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है। समझ, आप देखें ना इसको ऑल ओवर मिजान को देखें, इसका रेट ऊपर ही जा रहा है दिन ब दिन। मैं वही देखा रेट, प्रॉफिट भी अच्छा आया इसका। मैंने तो इसको 10 रुपए से चलता हुआ देखा, और मैं इसका रेट देख के, हालांकि जिन लोगों ने उस वक्त रखा हुआ था वो तो कितने 100-500 दफा फ्री हो गया होगा इसका शेयर। नहीं सही बात, इतना तो रिटर्न कमा लिया उसके वक्त, पे आउट इतना मिल गया और दूसरा इसका रेट इतना बड़ा। अच्छा जी सर, ये बैंक ऑफ पंजाब 12.5% बोनस दिया है, तो इसको वो इस रेट पे ये अच्छा है और खरीदें या नीचे का इंतजार करें, डिप का इंतजार करें मजीद, और इसकी 8 से नीचे जा सकता है? यार बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट स्टॉक वालों को पसंद नहीं आया, अगर ये डिविडेंड देता ना तो ये बहुत अच्छा होता। वैसे कागज पकड़ा दे, कैपिटल बड़ी कर दी ना, मतलब ये इसका डिविडेंड दे दी, बोनस दे दिया तो इसका कैपिटल बड़ी हो गई ना, तो ये अगर कैश देता ना तो बहुत अच्छा हो जाता। हालांकि जो दो एक्सपेक्ट कर रहे थे स्टॉक वाले कि इसका अर्निंग बहुत अच्छी आएगी और डिविडेंड आएगा, मगर डिविडेंड आया नहीं, अर्निंग तो बहुत अच्छी आ गई, एक चीज तो सही निकली, 12 लगे चलेगी तो मार्केट इसका ये 10 रुपया तो कर देगा। तो बोनस भी बुरे तो नहीं होते, बोनस क्यों नहीं पसंद करते बोनस बुरा नहीं है, मगर अभी जो वक्त की जो हालात है ना उसके हिसाब से इसकी कैपिटल बढ़ जाती है। अभी वैसे मार्केट के अंदर वैसे शेयर उठाने वाला कोई नहीं, और बोनस आ गए तो ज्यादा शेयर हो गए, कैपिटल बड़ी हो गई, तो यही चक्कर है और कुछ नहीं है, बस कैपिटल बड़ी हो जाती है। लोग बोलते हैं यार कैपिटल बड़ी हो गई तो अभी क्या इसकी अर्निंग अगले दफा कम हो जाएगी, अब वो बोनस को कहाँ यूटिलाइज करता है कंपनी ने वो बताएगा कि ठीक है हमने कोई नई स्कीम शुरू की है
या कोई नया प्रोग्रेस कर रहे हैं बिजनेस में, तो उसके बाद सही क्लास होगा ना। अच्छा ये सर, आई मीन ये YOUWUC विविंग है, इसके बारे में ये न्यूज आई हुई है कि ये ना राइट दे रहा है 9 रुपए के ऊपर, 1 रुपए डिस्काउंट पे, यानी कि 10 रुपए की वैल्यू है तो ये 9 रुपए पे दे रहा है, लेकिन शेयर इस वक्त 7 रुपए, शेयर इस वक्त 7 रुपए पे खड़ा है, तो ये 9 रुपए पे ये राइट देगा तो इसे सब्सक्राइब कौन करेगा, शेयर तो 7 रुपए पे इस वक्त। नहीं नहीं, खुद कंपनी ले जाएगी ऊपर, वरना इसके फेल हो जाएगा इसका, खुद कंपनी करेगी इसका तो ना। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इसको फिर 7-1 रुपए पे बाइंग करनी चाहिए, कि अगर ये 9 पे जाएगा, बाइंग करनी चाहिए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर जाएगा, मिनिमम जब 9 से ऊपर करेंगे तभी राइट सब्सक्राइब होंगे ना। हां वरना कौन करेगा 9 से ऊपर? जी जी, वरना फिर कंपनी को देने पड़ेंगे पैसे, पब्लिक तो नहीं देगी। वैसे अभी आपको चांस मिला है गोल्डन, जैसे यूनिटी में चांस मिला था ना आपको, 28 का राइट दिया था और 24 में मिला था, लोगों ने लिया तो 4 रुपए वैसे बच गए इसको, तो इसमें इसमें भी चांस मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा सर, मिलता जुलता सवाल ये है, जो कल के राइट शेयर्स आ रहे हैं उसके मुताबिक आप क्या गाइड करते हैं? यार पेल के मसला ये कि पेल में आपको नए से 14 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, 4 रुपए प्रीमियम है और 10 रुपए फेस वैल्यू, तो 14 में मिलने, तो अभी को महंगा कौन भरेगा, जैसे उस वक्त 24 रुपए रेट था तो लोग सस्ता मिल रहा है, तो लोगों ने शेयर बेच दिए और बोले राइट भर देंगे हम, तो यहाँ फायदा हो जाता है ना, एक टेक्निकल गेम हो जाती है। ठीक ठीक, थैंक यू। अमीन साहब ये बताएगा, निशात मिल का इतना अच्छा रिजल्ट आया टेक्सटाइल सेक्टर में, मगर ना उसने डिविडेंड दिया ना बोनस दिया, तो ये क्या वजह, जबकि इसमें फंडिंग में काफी काफी ज्यादा इंक्रीमेंट आया, मैंने देखा आपने रिजल्ट शेयर किया था उसका, इतना फर्क है 20 रुपए अर्निंग आई इसके ऊपर। मैंने अभी प्रोग्राम किया है, ये आप अभी सुनना, मैंने एक वीडियो बनाई है इसी के ऊपर कि इतना अच्छा डिविडेंड देती है, जब शेयर होल्डर जो हलाल प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाता करते हैं, पूरा साल आपका वेट करते हैं, मतलब कैसे भी हालात हो ना, शेयर होल्डर अपना शेयर तो नहीं छोड़ता है ना, और उसको साल में हलाल नफा चाहिए होता है, जो है जो हक बनता है, अब अगर वो भी आप नहीं दे रहे तो कब देंगे, शेयर होल्डर बैंक में तो नहीं रखवाता, सूद तो नहीं खाता ना, तो आप हलाल प्रॉफिट दें। मैंने बोला रेगुलेटर को, जो रेगुलेटर SEC PA को कहा है कि भाई आप इन कंपनी को बोले कि कम से कम अपना जो प्रॉफिट है उसका 40% तो शेयर होल्डर को बांटे, जो इनका हक है, ये सही बात है, आप सुन लें इसको। जी जी, मैं जरूर सकते हैं ना, देखो इस तरह की बातें करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा आपको मार्केट में, कोई नहीं दे रहा इस वक्त मार्केट में, जितना मेरा न्यू कमर हूँ कोई भी इतना नहीं समझा रहा है जितना माशाल्लाह आप लोग, अल्लाह आपको सी जज़ा खैर दे, कोई ना इतना बता रहा है, इसीलिए हम आपसे जुड़े हुए भी कि हमें सीखने को मिल रहा है। थैंक यू। ये बात तो सही है, वाकई अमीन भाई सब, अमीन भाई वाकई सब आवाज सबसे ज्यादा उठाते हैं, मतलब सबसे ज्यादा इनकी हर वीडियो में ये माशाल्लाह आवाज उठा रहे होते हैं कि ये गवर्नमेंट को ये करना चाहिए वो करना चाहिए। इनकी टीम भी जैसे मेघना है और फिजाइन की, सबकी माशाल्लाह वीडियोस आती है, उससे भी बहुत सीखने को मिलता है, मेघना की वीडियो से भी सीखने को मिलता है, वो मार्केट के टेक्निकल्स बताती हैं, दूसरी चीजें तो बड़ा इससे देखा जाए तो ओवरऑल हमारी ग्रूमिंग हो रही है, सिर्फ एक साइड की ग्रूमिंग नहीं है, एक तो होती है इन्फॉर्मेशन और टिप्स, मान लो टिप्स किसी काम की नहीं, इंसान को अगर खुद काम सीखना है ना वो ज्यादा अच्छी बात है, तो ये माशाल्लाह काम सिखा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टू योर होल टीम, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर। एक और मुझे ना, मुझे आपसे फीडबैक लेना था, अभी कोशिश कर रहे होते हैं लोग, अभी मुझे आप सबसे फीडबैक लेना था, मैंने आपको सबको कहा था। हां आप कंटिन्यू करें, आपको मैं एक बात बता दूं, मेघना ने कहा था सबको टेलीकार्ड की 96% होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो इसमें काम ना करें, अब ये आपको कौन बताएगा, देखो टेलीकॉम में 18-19 में लोगों ने लिए हुए हैं, अब फंस गए ना, हालांकि इसका आज सुपरनेट का आ गया IPO का, कि सुपरनेट में इन्वेस्टमेंट करा, IPO नहीं आ रहा, आज इसकी रिपोर्ट आई ना, लेकिन वो तो पहले से बता रही थी सर, अमीन वो टैली पापा कहते हैं कि 30 रुपए पे जाएगा ये, नहीं मगर वो अमीन साहब ने छोड़ा बोली ना, इस बात की समझ नहीं आ रही बात है कि जब मार्केट में से कोई बंदा नहीं कर रहा, मैंने आपको बताऊं, मैं जब मार्केट शाउटिंग चलती थी, जब व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था ना, तो ये
ऐसे टेली जो जिनको करीम ने करीम को छोड़ा हुआ है ना, ऐसे ही लोगों ने बंदे छोड़े हुए जो स्टॉक एजेंट की सीढ़ियों पे जो टीवी लगा हुआ है ना, आपने सब देखा होगा स्टॉक एजेंट की होगी तो, और टीवी के नीचे लोग बैठे होते थे, वहां जाके खड़े हो जाते थे टीवी के नीचे, सबको बोलते थे अब ये होने वाला है, अब वो होने वाले, और देखो अब लोगों ने जो हरकत की ना, पता नहीं अभी उनका अता पता भी नहीं है, लोगों को बर्बाद करते हैं ना जो किसी के कहने पे, तो अच्छी बात करने पे कोई हर्ज नहीं है, और इंशाल्लाह जो अच्छी बात करता है वो सदा बार रहता है। जी जी बिल्कुल, यही आपकी बात है, ये पकड़ा काट दो किसी का, ये अब लोगों को गरीबों को माल चिपकवा देते हैं, वो बेचारे फंस जाते हैं इनकी आप बातों में आके के ये 30 रुपए पे जाएगा, ये होगा वो होगा, इन्होंने अपना माल निकालना होता है सारा, लोग उठा रहे हैं माल वहाँ हाई रेट पर, बड़े बड़े लोगों ने उठाया है 25 रुपए के करीब ना, इन्होंने कॉल दी थी 25 रुपए पे उठाए, इसका IPO आ रहा है, ये होगा वो होगा, तो ये सर मैं ये भी पूछा था कि ये निषाद चुनिया पावर भी आज लोअर लॉक हो गया, इसका रिजल्ट भी ठीक ही आया था, लोअर लॉक हो गया, बस अभी ये कह रहा हूँ ना, देखो मैं एक मीटिंग में बैठा हुआ था, आप यकीन करो नहीं करो, मैं आपको हकीकत में बता रहा हूँ, एक कंपनी थी इसने डिविडेंड दिया, डायरेक्टर मेरे साथ आया, मालिक को बोलता है कि सर आपने डिविडेंड का ऐलान तो कर दिया, पैसे कहाँ हमारे पास, हम कहाँ से डिविडेंड देंगे, पता है क्या बोलता वो, पता है क्या बोलता है, बोलता है आप मार्केट में शेयर बेच दो अपने, जो पैसे है उसका डिविडेंड दे देना, तो ये मौका का फायदा उठाते, देखो निशा चुनिया ने एक दफा डिविडेंड दिया ना, अभी अगले साल देगा, पूरा साल कौन संभालेगा इसको, पूरे साल में कैसे हालात होते हैं, किस रेट में मार्केट मिलती है नहीं मिलती, तो ये चीजें होती है ना, बिल्कुल ठीक बोली कि जो भी आपने एग्जांपल दिए कि एक कंपनी का ओनर कह रहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है और डिविडेंड कैसे देंगे, राइट, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, वो जो अभी आप उसकी बात कर रहे थे एनएमएल की कि उसने डिविडेंड नहीं दिया, हाँ नहीं वो कमा के भी नहीं दे रहे ना, तो आप देखो शेयर होल्डर जो देखिए एक चीज आपको भी मालूम है, आगे हालात अच्छे नहीं है, आगे मार्च है, आगे रमजान है, राइट, तो अगर बड़ी बड़ी कंपनियों ने डिविडेंड खाए, एंग्रो ने ओनली 1 रुपया डिविडेंड दिया, राइट, इसके पीछे पॉलिसी है, अगर ये लोग यहाँ पर डिविडेंड देते तो रिजल्ट को कैसे ठीक करेंगे, है ना, तो ये मेंटेन करेंगे, इन्वेस्टर है उसको ये सोचना चाहिए कि मेरी कंपनी ने इस बार डिविडेंड नहीं दिया, क्योंकि आगे के 3 महीने हालात सही नहीं है, आपका IMF का तो चले हो गया, आपका क्या नाम है वो है मॉनिटरी पॉलिसी जिसके अंदर बढ़ना ही बढ़ना है, इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही बढ़ना है, कोई दूसरी राय नहीं है, तो बहुत सी कंपनियां जो क्वालिफाइड जिनके पास अकाउंटेंट होते हैं, जिनके पास अच्छे लोग होते हैं, वो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, वो ऐसे डब्बे उनके अकाउंटेंट नहीं होते कि बड़ा डिविडेंड दे के अपनी जान भी मरवा ली और फिर क्या करते हैं खुद माल बेच के, जैसा भी आपने एग्जांपल दी कि वो माल बेच देगा मालिक और लोगों को, और वो पता चल रहा है डिविडेंड के बाद वो शेयर देते हैं, CEPB में हुआ, डिविडेंड भी अच्छा दिया, बोनस भी अच्छा दिया, और 130 से आज 78 के ऊपर खड़ा हुआ है, जब कंपनी आगे उसके फ्यूचर में उसको दिख रहा है डॉलर बढ़ रहा था तो CEPB को इतना डिविडेंड बोनस नहीं देना चाहिए था, दूसरी बात हमारी बात हुई थी, निषाद बहुत अच्छा काम किया, यही तो मैंने कहा था PSO ने चलो इसलिए नहीं दिया कि आगे पेट्रोल का रेट कम ज्यादा हो रहा है तो फिर खरीदना भी तो है, पेट्रोल भी चलाना है, कंपनी भी चलानी है, तो फिर कहाँ से खरीदेगा। एक और चीज है, ये ग्रुप में भी माशाल्लाह लोगों ने कहा कि आप बहुत अच्छा गाइड कर रहे हो, लोग आपको सुन रहे हैं, तो प्लीज एक प्लेटफॉर्म से लोगों को ये समझाएं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के माइंड से आए और थोड़ा सी बाइंग करें, अगर आप और पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर रहे, अभी गजनफर भाई ने जैसे कहा कि टेली में लोगों को मरवा दिया, देखिए मैं इस बात पे बिलीव नहीं करता, टेली में जो गया वो सट्टा खेलने ही गया ना, जब हार जीत करने गया, WTL ने पिछले साल भी बैलेंस शीट नहीं दी थी, उसको वार्निंग मिली थी कि हम आपको डिफॉल्टर कर देंगे, तो इसके अंदर कोई गरीब नहीं फंसा, इसके अंदर लालची लोग फंसे हैं सर, इसके भाई कह सकते लोगों को फसा दिया,
भाई जब आप बात करेंगे तो फिर जवाब तो आएगा ना। चले नुसरत भाई आप बोल रहे हैं जी, नुसरत भाई आप बोले बोले नुसरत भाई। अच्छा बात सुने ना, टैली में लालची लोग आप कह रहे हैं फंसे हैं, लेकिन मेरी आवाज आ रही है, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मेरा। आ रही है आवाज आ रही है, बोले आ रही है। अच्छा असल में तार भाई, टैली में लोग लालची भी कह सकते हैं फंसे हैं, लेकिन असल में फंसवाया गया है लोगों को कि जी मेरे फलां बंदे के साथ तलक है, मैं ये हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, मतलब अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है लोगों के सामने कि मैं एक बहुत बड़ी चीज हूँ। ठीक है, तो अब पिछले 3 महीने से, बल्कि जब 25 के ऊपर से था उस वक्त हमने टैली को लोगों को कहा सेल करो, 18 पे आया सेल कर दो, 20 पे बोला सेल कर दो। जब अभी रिसेंटली 1 महीना पहले जब इसमें ये इसका आईपीओ की खबर आई थी कि ये जेम बोर्ड में आएगा, तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहा था कि ये टैली अभी 18 के ऊपर नहीं जाएगा, इसको सेल कर दें, क्योंकि वो तो सिर्फ एक था फ्रॉड सिस्टम। और ऐसे ही WTL में भी है, इन्वेस्टमेंट एक टाइम होता है, ये नहीं है कि मार्केट 50,000 पे फिर 48,000 पे तो वहां पे बंदा इन्वेस्टमेंट शुरू कर दे। इन्वेस्टमेंट के लिए मौके तलाश किए जाते हैं। ठीक है, मार्केट आपको हर साल 2 साल बाद मौका देती है इन्वेस्टमेंट का ना। ठीक है, वो चाहे उसमें ऑटोमेटिक कोई ना कोई खबर आ ही जाती है। अभी आप इंटरनेशनल मार्केट में भी देखें ना, पेट्रोल अभी $100 के पास पहुंचा हुआ, 95-94 पे है। ठीक है, तो ये भी है, पिछले साल तो ये पेट्रोल -$34 पे भी चला गया था ना, तो वो टाइम था इन्वेस्टमेंट का। अभी जब 15 दिन पहले, कुछ अर्सा पहले जब जंग की खबरें शुरू हुई हैं, उस वक्त पेट्रोल जब वो -34 पे गया था, तो उस दिन फ्यूचर क्लोजिंग के सिर्फ 2 दिन बाकी थे, और उस वक्त है ना हम लोग भी बाय नहीं कर पा रहे थे जो मर्केंटाइल में है वो लोग। देखिए उस वक्त काम था और डिलीवरी उठानी पड़ रही थी, उस वक्त बड़ा मसला हो गया था, और वो थोड़ी देर के लिए मतलब आया था, ज्यादा देर के लिए नहीं आया था। हाँ, ये कि फिर उसके बाद जब ऊपर आया तो काफी लो रेट पे वो चल, आप 10 रुपए के ऊपर तो बाय कर सकते थे ना। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। जब वो मतलब, क्योंकि मार्केट में असूल है गिरती हुई चीज को मत बाय करो, जब वो गिरना रुक जाए उस वक्त आप बाय करो। जब वो -34 से 10 पे आया तो हम उस वक्त तो 10 के ऊपर तो बाय कर सकते थे ना जी। और तायर भाई आप मेरा भी सुन ले बात, आप कह रहे हैं ना लालची लोग, असल में नए बिगनर लोग आते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता, ये लोग उन्हें अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाते हैं कि मैं डायरेक्टर बनने वाला हूँ, मेरे अकील करीम डैडी से मेरे तल्लुकात हैं, उसकी बेटी के साथ मैं बैठता हूँ, उसका फंड मैं चलाता हूँ, और ये बड़ी मेरी इनसाइड न्यूज है मेरे पास, तो ये जाएगा। वो बेचारे न्यू बिगनर होते हैं, वो लालची नहीं होते। यही मैं कहने जा रहा था अमीन भाई को कि आप अपने ग्रुप से लोगों को एजुकेट करें कि ये इन्वेस्टमेंट की जगह है, यहाँ पर या तो आप सट्टा खेल लें, जुआ खेल लें तो फिर रोए ना, और अगर जुआ नहीं खेलना तो इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट के आइटम लोगों को आप बताएं अमीन भाई, क्योंकि आप माशाल्लाह एक पर्सनैलिटी हैं जिनको लोग सुन रहे हैं, जिनकी वीडियो चल रही है, तो अमीन भाई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। अब हम रो के क्या, देखिए रोने से कुछ नहीं होगा, जब चिड़िया चुप गई खेत, अब कुछ फायदा नहीं है, जो हो गया वो हो गया, वो डायरेक्टर बनेंगे नहीं बनेंगे, हो सकता है टेली को नीचे ले लेके जाए 12 रुपए पे, 8 रुपए पे, जैसे टेक्निकल कहते हैं 8 रुपए के बाद उसमें रैली बन सकती है, वहां से उसको चला दें, कहीं से चला दें। लेकिन PSX से यहाँ पर कोई आइटम गिर, एक वक्त तक गिरेगा उसके बाद उठेगा, सबको पता है ना, तो वो जो हो गया वो हो गया। अब यही है कि आप अगर चाहते हैं कि आवाम के लिए, तो अमीन भाई का प्लेटफॉर्म है या जो भी प्लेटफॉर्म है, आप वहां से इनसे ही दरख्वास्त करें कि नए आने वालों को यही बातें समझाएं कि ऐसे स्क्रिप्ट में ना घुसे। तायर भाई बिल्कुल यही अमीन भाई से हम यही कहते हैं, तायर भाई यही अमीन भाई को कहते हैं कि जो बेचारे आगे आने वाले लोग मासूम वो ना फंसे, लोगों को आगाही दें। सर यहाँ पे ना मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी, यहाँ पे मैं भी कुछ ऐड करना चाहूंगी कि अभी डेली कार्ड पे बहुत सारे लोग फंसे हुए सर अमीन।
चुप जाते हैं, मशवरा दे सकते हैं कि एवरेज ना करें, बस ये कि एवरेज ना करें, बाकी दुआ कर सकते हैं इनके लिए, अभी कर सकते हैं। क्योंकि आपने पहले भी कॉल दी थी टेलीकार्ड की 18-19 में कि 96% होल्डिंग पब्लिक के पास है, जब इतने शेयर डायरेक्टर ने भेज दिए तो फिर अभी इसमें क्या जवाब दिया जाता है, 1-2 रुपए का शेयर था 24 तक चले गया, कितना नफा चाहिए डायरेक्टरों को, तो ये भी तो आप सोचे ना। तो हमारे जो प्रोग्राम है यही है कि एजुकेशन, चले मैगना आप बताएं, शादी हो जाए या बच्चे हो जाए तो चीज काम आए, जिस तरह हम देख रहे हैं कि करें जी। एक मिनट सर, के अभी देखे टेलीकॉम में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, इनका रेट भी नीचे आ गया है, भले इनका आईपीओ भी आया फिर भी इनका रेट नीचे है। तो आज वो कह रहे हैं सर करीम के आपने ना इसके टेलीकॉम के बारे में आप इतना बुरा भला कह रही हैं, लोगों की आप बद्दुआ ले रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपने लोगों को चिपकाया हुआ है माल, तो बद्दुआएं तो पहले तो आपको आपको मिल रही है, मुझे क्यों मिले, हम तो लोगों को सही से गाइड कर रहे हैं कि 96% का जो मार्केट है। हेलो सर, आप नुकसान किया होगा उसका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल अमीन भाई, टेलीकार्ड में लोगों ने कमाया है, यही तो टेलीकार्ड वाले बात कर रहे हैं ना, इन्होंने 10 में लिया, 12 में लिया, 14 में बेचा, ये हर लेवल पर बेचते रहते हैं। लोग क्या करते हैं, 2-2 रुपए में प्रॉफिट करके निकलते रहते हैं, 1 रुपए में प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, तो वही लोग फिर बाद में ऊपर आके फंसते ही फंसते हैं, जो नीचे से 2 रुपए 1 रुपए प्रॉफिट करते 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 ऊपर आके फंसते हैं वो। और देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर बताऊं कि सुपर नेट कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, उनकी दुबई में भी ब्रांच है और कंपनी बड़ी सॉलिड है। जो मेन मिस्टेक हो गई कि उसका आईपीओ जो है ना उसमें चला गया, जेम बोर्ड में चला गया, अगर वो रेगुलर बोर्ड के अंदर आएगा तो टेली इंशाल्लाह जो उन लोगों के टारगेट थे वो मैच करता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ इनसाइडर इनके प्रॉब्लम है, इनके पास पैसा नहीं है, इन्होंने जल्दबाजी में उसको जेम बोर्ड में रजिस्टर कर दिया, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। लेकिन टेली में कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए 20 रुपए के ऊपर बाइंग नहीं बनती थी, वहां गोले ही घूम सकते थे, इसके अंदर अब भी गोले घूम सकते हैं, किसी को लग रहा है कि यार ये नीचे जा रहा है वो शॉर्ट सेल कर दे, और किसी को लग रहा है ये रोज के 8-2 रुपए दे रहा है डे ट्रेडिंग कर ले। देखिए कोई भी आइटम है, अब अगर किसी ने किसी को बोला कि 24 रुपए में अच्छा लग रहा है और उस बेवकूफ ने 24 रुपए में 1 लाख ले लिए आंखें बंद करके, सर हम किसको बोलेंगे, तुम्हें क्या जरूरत थी 1,50,000 एक साथ बड़ी क्वांटिटी उठाने की। लोगों को वही एजुकेट होना पड़ेगा कि यार क्वांटिटी हमेशा लिमिट में ले, कभी भी कुछ भी सीन हो सकता है यहाँ पर, मतलब धंधा तो है लेकिन थोड़ा गंदा भी है यहाँ पर, तो वो उसमें मुझे नहीं लगता कि इतना डिस्कस कि क्या हो गया टेली बर्बाद हो गया, टेली पापा ने ये कर दिया, उनके अपने वो है, वो एक स्क्रीन सबको भेजना है अब्दुल करीम भाई कि उनकी खुद की होल्डिंग तो उनके पास काफी बड़ी क्वांटिटी उसके पास है, लेकिन उनका आइडिया नहीं हुआ कि ये जैम बोर्ड में आएगा, वो जैम बोर्ड में आ गया, वो जैम बोर्ड में आया और सारा खराब हो गया। सर अमीन अनम्यूट करें, सुनने में आ रहा है वो जैम बोर्ड में भी लाने के लिए रेडी नहीं है, देखिए आगे क्या होता है, तो वो गिरेगा। क्लेरिफाई तो कर देना, जैम बोर्ड में तो हर कोई बंदा नहीं ट्रेड कर सकता मेरे हिसाब से, उसके लिए कितने का अकाउंट जरूरी है, वही है अमीर के लिए अलग कानून और गरीब के लिए अलग कानून है, तो ये यही समझ लें। जैम बोर्ड के अंदर अभी तक 2 कंपनियां आई हुई है और वो दोनों का कोई अता पता नहीं है कि वो कंपनियों क्या करती है क्या नहीं, मतलब छोटी कंपनी है, मतलब अभी गजनपुर भाई आप ऐसा कर ले,
कि आप है ना 100 लोगों को मिलाएं, बोले एक एक लाख रुपया दो और एक ऐसी इंटरनेट के नाम से कंपनी खोले और जेम बोर्ड में डाल दें तो रजिस्टर्ड हो जाएगी, समझे। मुझे एक बंदे ने ऑफर की थी, ताहिर भाई आप मुझे 10 लाख रुपए दो, हम एक कंपनी इंटरनेट की बना रहे हैं, कराची का ऑफिस खोलेंगे और उसको रजिस्टर्ड करेंगे जेम बोर्ड में और उसकी शेयर की प्राइस होगी 20 रुपए, आपको हम 10 रुपए में देंगे जो एडवांस में पैसे देगा। तो ये है जेम बोर्ड जिसके अंदर कोई भी कंपनी आ सकती है, चाहे उसके पास कुछ है नहीं है, कितनी कितनी स्क्रूटनी नहीं होती। जी मैडम, मैंने प्रवीण साहब से एक सवाल करना है। ठीक है, और कोई सवाल करे टेली करें, सवाल करें, मार्केट की इन्फॉर्मेशन मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में बात करें, सीमेंट सेक्टर के बारे में बात करें। जी किसी कोई सवाल अमीन साहब, अमीन भाई ने चैट में पोस्ट किया था अमीन साहब लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ आया है, उसके इसका आईपीओ लाइफ इंश्योरेंस का आईपीओ इतना खास नहीं है यार। देखिए आईपीओ तो आते हैं फिर इनके अभी ये नई कंपनी ने आई आदम जी ने नई पॉलिसी स्टार्ट की है, पता नहीं सक्सेस होती नहीं होती, तो खैर हम तो मैंने तो मालूम किया तो मना करते इसके बारे में। जी जी मैंने भी सोचा था सर, अमीन मैंने फिर सर अमीन से पूछा तो उन्होंने कहा ना करें, सब्सक्राइब ना करें, तो मैंने भी सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज एक रिक्वेस्ट है सबके साथ, वन बाय वन पूछे, अपना माइक ऑफ करें। शेयर्स का ट्रांजेक्शन होता है, जिस दिन आप शेयर्स खरीद ले फिर जो है आप ये 2-3 दिन के बाद आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर होता है, तो क्या प्लीज वन बाय वन सब क्वेश्चन करें। अभी स्टार्ट करें, किसने सवाल करना था? हेलो, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ सीमेंट सेक्टर के बारे में न्यूज आई है आज, एक कंपनी की इन्फॉर्मेशन आई है, बल्कि एक ब्रोकर जेस की, कि सीमेंट सेक्टर में जो कोयला इस्तेमाल होता है वो अफगानिस्तान से लोगों ने मंगाया था, तो इनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनकी कॉस्ट जो बढ़ गई है उतनी नहीं बढ़ेगी, तो अगला क्वार्टर भी इतना बुरा नहीं है, और इतना बुरा नहीं है ना, तो इसके अलावा सीमेंट की जो इंटरनेशनल मार्केट बल्कि लोकल मार्केट में रेट भी बढ़ गया, तो इतना बुरा नहीं है, अगर ये कंपनी वाले चाहे तो बुरा करके दूसरी बात है, या हालत ना अच्छा हो तो मुझे तो खैर बहुत अच्छा लग रहा है सीमेंट सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर, इसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो तो इसमें जैकपॉट लगता है। देखो जैकपॉट का ये होता है, जब मार्केट गिरती है तो इन्वेस्टर भी खुश होता है, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि जो मार्केट गिरती है खुश होता है, मैंने बोला इतना बड़ा आपका बना हुआ है पोर्टफोलियो तो आप क्यों खुश होते हैं, बोला जो अच्छे शेयर है हमको कम रेट पे मिल जाते हैं क्योंकि इनको तो शेयर बेचने ही नहीं होते, अब पे आउट इनका पक्का होता है, तो जो डिविडेंड आता है उसके भी शेयर खरीद लेते हैं और ज्यादा शेयर आ जाते हैं, तो इन्वेस्टर तो ये होता है, हम तो खैर इतने बड़े वो नहीं है, हम अपने हिसाब से देखें मार्केट को, बाकी ये कि दो सेक्टर है उसमें आपको पोर्टफोलियो बनाना तो बना ले, रिफाइनरी सेक्टर और सीमेंट सेक्टर। जी सर अमीन साहब, मैंने पूछना ये था कि ये आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद ले तो फिर जो है शेयर 2 दिन बाद आपके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफर होते हैं, तो क्या इस तरह मुमकिन नहीं है कि पहले ही दिन में मेरा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए? नहीं, दोबारा क्या समझ में ये वो T+2 को कह रहे हैं कि शेयर 2 दिन के बाद आते हैं, तो इनका मिजान होगा ना ये T+2 है ना इनका, तो वो तो 2 दिन के बाद आएगा, T+2 है ना, 2 दिन के बाद शेयर आएंगे ना, वो तो ठीक है, मैं तो ये कह रहे हैं कि मैं फौरन आ जाएं किसी तरीके से, फौरन मतलब वो T+2 1 में आते हैं, T+0 में आते हैं, मगर ये तो रेगुलर कानून बना हुआ है ना, अब जिसके पास इन्वेस्टर में शेयर होते हैं जिनके वो रसीद देनी होती है सीधी सी की, अब उसने आज बेचा और फिर कल रसीद दी, तो ये भी होता है उनको वो थोड़ा टाइम मिल जाता है ना, कि सबके शेयर तो शेयर तो मेंबर के पास नहीं भरे होते ना, किसी के इन्वेस्टर अकाउंट में भी शेयर पड़े होते हैं। सर यहाँ पर मसला ये है कि शरी मसला है कि जब तक आपके पास शेयर नहीं आ जाए उस वक्त तक आप बेच नहीं सकते, मेरा मकसद इसके लिए कोशिश करें कि T+0 कर दें, इसके बाद फिर जो है आप इसको बेच सकते हैं, मतलब अगर आपको ईमेल आया हो या ना आया हो, मतलब हुआ क्या ट्रांसफर, इसके लिए
इसके लिए कोशिश करें कि टी प्लस वन कर दे, देखो टी प्लस टू है दो दिन बाद, टी प्लस वन एक दिन बाद, और टी प्लस जीरो सेम डे, तो टी प्लस जीरो हो जाए तो कैसा है, तो आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपके पास 100% लिक्विडिटी होनी चाहिए। अब बाद लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी लेते हैं फोन करके बोलते हैं फिर कल चेक भिजवाएंगे, तो ये फिर इसलिए टी प्लस टू का कानून बना हुआ, मगर इसको चेंज कर रहे हैं। ये है पाकिस्तान पाकिस्तान लिमिटेड के तो शेयर ही नहीं है मार्केट के अंदर, ज्यादा बता सकता है, ट्रेडिंग भी नहीं होती इसमें, इसके मार्केट के अंदर फ्लो ही नहीं है, तो बिना स्क्रीन देख के बता दे कि ये जिलेट का अकाउंट्स क्या है, फंडामेंटल क्या है, और इसके मार्केट के अंदर कितना फ्लो है, मेघना प्लीज बता दे कितना है, क्योंकि इसका 143 रेट है और 10% जस्ट फ्लोट है मार्केट में, वेरी लेस, टेन फ्लो तो कुछ भी नहीं हुआ, टेन फ्लो ट्रेडिंग थोड़ी होती है, इनकी शेयर होल्डिंग लिस्ट देखनी पड़ेगी, आई थिंक ये पब्लिक के पास नहीं है। सर आमीन, आप फौजी फूड लिमिटेड शेयर्स को किस तरह समझते हैं, इसकी कोई मुस्तकबिल होगी या इसी तरह रहेगी? सर अमीन, ये फौजी फूड का पूछ रहे हैं, फौजी फूड लिमिटेड कैसा शेयर है बता दें जरा इन्हें। फौजी फूड की जो शेयर है ना वो इतने कमा नहीं रहे, वो मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं कर सकते, और जब भी इनका कोई आता है ना तो ये राइट मांग रहे, राइट मांग मांग के कैपिटल बढ़ा रहे, अपना खर्चा चला रहे, बाकी कुछ है नहीं इसमें। अब देखें इसके जब भी इसका कोई आएगा तो इसको पता चली कि भाई इसको इसने काम करना है, इसका ये नई प्रोडक्ट आई है राइट पर। अब ये फौजी फूड को चाहिए कि दूसरी अच्छी मतलब मल्टीनेशनल कंपनी को अपनी फूड कंपनी को भेज दें ताकि चला सके, पहले भी इसका 28 समय चल रहा था बात हॉलैंड की कंपनी से, तो मगर सोचा नहीं, वहाँ अच्छी कंपनी ले लेती है तो सही है, वरना इसका मार्केट में कंपटीशन करना बहुत मुश्किल है, तो इसमें नहीं दूसरे शहरों में काम करे तो अच्छा है, इसको आपको बाजार चलेगी तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। फौजी फूड भी आपको 1-2 रुपये ऊपर होगी, मगर वो 10-12 रुपये पड़ जाएगी। हेलो, और कोई सवाल है? किसी और को कोई क्वेश्चन है? ये फौजी सीमेंट का आज कैसा रिजल्ट आया सर? अमीन, फौजी सीमेंट रिजल्ट आया तो नहीं, देखना देखना, नहीं नहीं रिजल्ट आया, फौजी सीमेंट अच्छा अमीन सर, ये WTL के मुतालिक पूछना है, इसका क्या हिसाब किताब है, अभी वो इतना डाउन और क्यों इतना, अभी है इसको कोई चांसेस ऊपर जाने के या कोई नहीं? आप ये एंडेड के रिजल्ट्स पूछ रहे हैं क्या गजेंट में? सर आप ये एंडेड सीमेंट का पूछ, हाँ ये रेंडेड की रिजल्ट पूछ रहे हैं ना आप? जी 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 हाँ। इसका जो ओवरऑल जो नेट आया है ना रेवेन्यू इनका जो हुआ है वो लास्ट ईयर के मुकाबले बहुत ज्यादा हुआ है इस साल का, और इसके साथ साथ ये 6 months का मैं आपको बता रही हूँ, जो 6 months का, तो पहले जो था वो 11 में था, अभी 15 billion का जो रेवेन्यू है बहुत ज्यादा हुआ है, इसके अलावा इनका जो प्रॉफिट है वो नहीं, वो लॉस में ही है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इनका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, डबल हुआ है इनका प्रॉफिट भी, और इनका जो EPS है वो भी इंक्रीज हुआ है, ओवरऑल इनकी सेल्स बहुत अच्छी हुई है, इनका प्रॉफिट अच्छा हुआ है सर, ये रेंडेड की रिजल्ट्स में आपको बता रही हूं। लेकिन कोई